आज अपन बात करेंगे स्मार्ट फिंगरप्रिंट डोर लॉक की और इसको पानी के साथ भी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे अपन फिंगरप्रिंट काम करती या नहीं करती। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स में मिलता है अपन को ओपन की ब्रांडिंग और साइड में मिलता है स्टोर अप टू 20 यूनिक फिंगरप्रिंट्स और दूसरी साइड मिलेगा ओपन ऐप फिंगरप्रिंट लॉक और उसके अपोजिट साइड मिलेगा अनलॉक इन लेस देन अ सेकेंड। और लास्ट है अपने इसकी सीरीज़, वो है लैच प्रो। पीछे बात करें तो पीछे दी गए इसके कुछ फीचर्स जो अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। और यहाँ पर मिलता है एक कॉर्नर में QR कोड, वो है वारंटी, स्कैन टू क्लेम वारंटी। तो बॉक्स को करते हैं ओपन और निकालते हैं अपना स्मार्ट लॉक। तो ये अपन को मिलता है इसमें संपूर्ण ज्ञान, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और इसमें मिलता है अपन को एक स्टिकर, तो ये भी मेरे तो कोई काम का नहीं है। और ये मिलती है आई थिंक चार्जिंग केबल, तो खोल के देखते हैं एक बार इसमें मिलता है क्या। ये अपने पास USB चार्जिंग केबल मिलती है, तो ये काफ़ी ही अच्छी बात है, चार्जिंग फास्ट होगी। तो ये है स्मार्ट लॉक, तो इसको निकालते हैं बाहर और इस पे अपन को मिलती है ओपन की ब्रांडिंग। और साइड में बात करें तो साइड में भी अपन को ओपन ऐप की ब्रांडिंग मिलेगी और पीछे मिलता है अपन को सेंसर्स। तो इस सेंसर को अपन टच करते हैं, ओहो ये तो खुल गया। तो इसमें फर्स्ट यूज़र मैं ही हूँ, तो आई थिंक ये फर्स्ट यूज़र विदाउट रजिस्टर खुल जाता होगा। तो बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह होगा। इस सेंसर पे अपन को 9 सेकेंड तक होल्ड रखना होगा और ये लॉक खुल जाएगा। तो मैं अब बन चुका इसका फर्स्ट ओनर और मैं एक ओनर और ऐड कर सकता हूँ और वो दोनों ओनर्स मिलके इसमें 18 मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। वो दोनों मेंबर्स ही ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और अदर मेंबर्स होंगे वो कुछ नहीं होगा, उनका लॉक को ओपन कर सकते हैं वो। नीचे की साइड मिलता है अपन को चार्जिंग पॉइंट और इसको अपन ओपन करके देखते हैं। ये अपन को मिलता है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, ये USB केबल चार्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन को फास्ट चार्जिंग का इसमें ऑप्शन मिलता है, ये पूरी बैटरी चार्ज होगी 2 आवर्स के अंदर और इसमें आप 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो इस लॉक को 2 आवर्स की चार्जिंग के साथ। तो अब अपन इसकी ग्रिप को टेस्ट करते हैं और इसके सेंसर्स को भी अपन पानी के साथ टेस्ट करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो इसकी ग्रिप को निकालते हैं अपन बाहर, पहले करते हैं लॉक को अनलॉक और फिर अब निकालते हैं अपनी ग्रिप को बाहर। तो ये ग्रिप अपनी पूरी बाहर निकल चुकी, तो ये ग्रिप तो काफ़ी अच्छी है और सॉफ्ट भी है। बात करें इसकी वारंटी की, तो 1 ईयर की इसकी वारंटी मिलती है और इसकी प्राइस है मार्केट प्राइस 4000 रुपीज़ और मैंने इसको अमेज़न से बाय किया है 3000 रुपीज़ में। तो अब अपन इसकी सेंसर्स जो फिंगरप्रिंट के हैं इसको अपन पानी से टेस्ट करेंगे, क्या ये वर्क करते हैं फिंगरप्रिंट्स पानी से, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अब अपन इसके सेंसर्स पे पानी डालते हैं, फिर अपन फिंगर लगा के देखेंगे क्या फिंगरप्रिंट काम करते हैं नहीं करते, ये अनलॉक होता है नहीं होता। तो अपन इसके सेंसर्स पे पानी गिराते हैं, ये क्या हुआ। तो गाइज आप देख सकते हो ये तो पानी से ही ओपन हो रहा है। तो गाइज एक बार वापस से लॉक करता हूँ और फिर अपन वापस से अनलॉक करेंगे। तो मैंने इसको वापस से लॉक किया और वापस से एक बार पानी गिरा के देखते हैं कि पानी से वापस से अनलॉक होता है या नहीं। तो ये गिरा पानी, ये गाइज ये पानी से ही अनलॉक हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है, लेकिन इसको बाय करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं हुई कहाँ है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है ओहो कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना।
ऐसी ही धमाकेदार अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अनिविक गाइड चैनल को, और इस चैनल पे अपन को गिव अवेज मिलने वाला है, तो इस चैनल को पक्का से करना सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इस प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहोगे और क्या आपको ये सही लगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से क्या सही है या नहीं है प्रोडक्ट। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।